हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शैवालों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैवालों के कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मुख्य रूप से शैवालों का तीन वर्गीकरण पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। हालांकि शैवालों को एफी फ्रिश ने 11 वर्गों में बाँटा था, लेकिन जो तीन इसके मुख्य वर्ग हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आज हम उन तीनों वर्गों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम आइसोकोंटी भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को हम और क्या बोलते हैं, आइसोकोंटी भी बोलते हैं। तो देखिए, यह जो क्लोरोफाइसी है इसे हम हरी शैवाल यानी ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और यह जो ग्रीन एल्गी है यह सबसे एडवांस एल्गी मानी जाती है। सबसे एडवांस एल्गी इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड होती है, पूरी दुनिया में यह पाई जाती है। ग्रीन एल्गी के देखिए तीन मुख्य स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है कि एक तो ग्रीन एल्गी यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। दूसरा स्वरूप है ये निवही होते हैं यानी कॉलोनियल होते हैं। और तीसरा स्वरूप है ये मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस होते हैं। तो हरी शैवाल के ये जो तीनों स्वरूप हैं, आइए हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी एक तो यह यूनिसेल्युलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है यानी एक कोशिकी होता है। उदाहरण में आपका क्लेमाइडोमोनास है जो कि क्या है, एक कोशिकी एल्गी है। और यह मोटाइल एल्गी भी होता है, शेल एल्गी भी होता है। इसमें गमन के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखिए जो क्लोरेला नामक शैवाल है, क्लोरेला नामक शैवाल यह कैसा होता है, यह नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने केल्विन साइकिल का आविष्कार सबसे पहले इसी एल्गी में किया था। आप लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़ा होगा। उस केल्विन साइकिल में केल्विन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने केल्विन साइकिल का जो आविष्कार था वो क्लोरेला नामक शैवाल में ही किया था। इसके बाद देखिए, यह जो एसिटैबुलेरिया है, एसिटैबुलेरिया यह सबसे लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर क्या होता है, प्लांट होता है। सबसे लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट एल्गी होता है। और इसका जो डायमीटर होता है सेल का, वो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। और हैमरलिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एसिटैबुलेरिया पर सबसे पहले अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। किसने? हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा इसका देखिए स्वरूप है ग्रीन एल्गी का, ये निवही होते हैं यानी कॉलोनियल होते हैं। ये शैवाल कॉलोनीज में मिलते हैं। और नंबर ऑफ सेल्स इन कॉलोनी, और कॉलोनियों में इनके कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह फिक्स होती है। कैसी होती है? फिक्स होती है। इसके बाद एक देखिए टॉपिक यहाँ हमने लिख रखा है, सिनोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जान लीजिए सिनोबियम होता क्या है। देखिए, शैवालों की ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, ऐसे ही कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। और ये सिनोबियम यानी शैवालों की ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, ये ज़्यादातर देखने को मिलती है वालवाक्स में। किसमें? वालवाक्स में देखने को मिलती है। उसके बाद जो तीसरा स्वरूप है ग्रीन एल्गी का, ये मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस होते हैं यानी बहुकोशिकीय तंतु रूपी शैवाल होते हैं। और इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, पांड उल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है स्पाइरोगाइरा जिसे हम पांड सिल्क के भी नाम से जानते हैं। तो जो फिलामेंटस एल्गी है वह है आपका यूलोथ्रिक्स जिसे हम पांडुल बोलते हैं, और स्पाइरोगाइरा जिसे हम पांड सिल्क भी बोलते हैं। अब अगर हम एल्गी के पिगमेंट की बात करें, वर्णक की बात करें, किसके, ग्रीन एल्गी के, तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है,
क्लोरोफिल बी होता है और बीटा कैरोटीन भी इसमें पाया जाता है। इसके बाद इनमें जैंथोफिल भी पाया जाता है और जैंथोफिल में देखिए ल्यूटिया जैंथिन, वायोला जैंथिन भी पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये येलो कलर्ड के होते हैं, येलो कलर्ड यानी पीले रंग के होते हैं। और ये सब वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। देखिए जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वह पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, और जो गर्डल शेप्ड यानी मेखलाकार क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है वह पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, और जो स्पाइरल शेप्ड यानी सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वह पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, और जो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट अथवा नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिसको हम हिंदी में जालिकावत क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं वह मिलता है क्लेडोफोरा और उडोगोनियम में। किसमें, क्लेडोफोरा और उडोगोनियम में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, ताराकार क्लोरोप्लास्ट होता है, वह मिलता है किसमें, जिग्नेमा नामक शैवाल में देखने को मिलता है। आगे देखिए इनमें जो पायरेनोइड्स होते हैं, तो पायरेनोइड्स देखिए एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। इनमें स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी पाई जाती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स भी बोलते हैं। इनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है यानी जो संचित खाद्य पदार्थ होता है, स्टार्च प्लस फैट होता है, मंड और वसा होता है, और कुछ ग्रीन एल्गी में आयल ड्रॉपलेट्स यानी तेल की बूंदें भी देखने को मिलती हैं। ग्रीन एल्गी का जो सेलवाल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वह रिजिड होती है, रिजिड यानी कठोर होती है, और दो परतों से घिरी होती है। इसका जो आउटर लेयर होता है, बाहरी परत, वह पेक्टोज का बना होता है, और जो इनर लेयर होता है इसका, वह सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद इसमें जो फ्लैजेला होता है यानी जो कसाब होता है, कसाबों की संख्या दो या चार बराबर, और कहाँ मौजूद होते हैं ये कसाब, शीर्ष पर यानी एपिकल पर ये मौजूद होते हैं। अगर हम इनके जनन की बात करें तो जनन इनमें देखिए वेजिटेटिव होता है, और यह जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यह फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है, विखंडन के कारण होता है। उसके अलावा इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह चल बीजाणुओं द्वारा यानी बाई जू स्पोर्स, और कब होता है ये, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। दूसरा इनमें अचल बीजाणु नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये होता है आपका एकाइनीट के द्वारा, हिप्नोस्पोर के द्वारा, एप्लेनोस्पोर के द्वारा, और ये कब होता है, ये होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए इनमें जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस यानी समयुग्मकी प्रकार का, एन आइसोगैमस यानी विषमयुग्मकी प्रकार का, और एक होता है आपका उगैमस अंडयुग्मकी प्रकार का। और हमने आपको समयुग्मकी विषमयुग्मकी का मतलब अपने पिछले वीडियो में बताया है, उगैमस का मतलब भी हमने बताया था। इसमें जो मेल गैमिट होता है वह छोटा होता है, स्मॉल होता है, और कैसा होता है, वह मोटाइल होता है, चल होता है, और जो फीमेल गैमिट होती है वह नॉन मोटाइल होती है और बिग होती है, साइज में बड़ी होती है। अब देखिए आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में, एन आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में, और उगैमस प्रकार का मुख्य रूप से देखने को मिलता है वाल्वाक्स में। अब यहाँ एक छोटा सा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है क्लोरोफाइसी का, हरे शैवाल का। तो देखिए बहुत सारे हरे शैवाल जो होते हैं उनसे एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाइयाँ प्राप्त होती हैं।
तो एक शैवाल है आपका क्लोरेला, क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। अगला है क्लोरेला जो होता है इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए ये फूड के रूप में, भोजन के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, जो क्लोरेला नामक शैवाल है तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस, अंतरिक्ष में यह ऑक्सीजन का एक मुख्य स्रोत भी होता है। यह जो है क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। और कुछ पैरासाइटिक एल्गी होते हैं जैसे सिफेल्यूरोस, ये क्या करता है, रेड रस्ट ऑफ टी, एक रोग उत्पन्न करता है किसमें, चाय में, चाय की पत्तियों में, रेड रस्ट ऑफ टी। और यहाँ देखिए नोट करके हमने लिखा है, इस वर्ग के पौधे सामान्यतः ताजे जल या अलवणीय जल में मिलते हैं, कुछ समुद्र या स्थल पर भी पाए जाते हैं। दूसरा क्लास है फियोफाइसी, जिसे हम बोलते हैं भूरे शैवाल, और भूरे शैवालों को ब्राउन सीवीड्स अथवा हम केल्प भी बोलते हैं। तो आइए इनके हम लक्षणों को देखते हैं। पहला इनका जो कॉमन कैरेक्टर है कि ये समुद्री जल में उपस्थित होते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं, और लार्जेस्ट इन साइज, साइज में सबसे ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, विशाल होते हैं, लगभग 100 मीटर तक लंबे होते हैं, उदाहरण में आपका केल्प है। और लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी माना जाता है, सबसे लार्जेस्ट भूरी शैवाल जो होती है वो माइक्रोसिस्टिस होती है। कौन होती है, माइक्रोसिस्टिस होती है। और जो सिंपल फिलामेंटस ब्राउन एल्गी होती है वह है आपका एक्टोकार्पस, क्या है, एक्टोकार्पस। इसका जो पादप शरीर होता है 3 भागों में बंटा होता है, एक होल्ड फास्ट, दूसरा स्टॉक, तीसरा फ्रॉन्ड। यहाँ देखिए, मान लीजिए यह क्या है, यह एक एल्गी है और एल्गी का यह होल्ड फास्ट है जिसके द्वारा यह किसी न किसी आधार से चिपक जाती है, और यह इसका स्टाइप है, क्या है, स्टाइप है, जिसे हम विरिंत बोलते हैं, और यह इसका क्या है, फ्रॉन्ड है। और फ्रॉन्ड क्या होती है, यह पत्ती जैसी प्रकाश संश्लेषी संरचना होती है, और फ्रॉन्ड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किसमें, लैमिनेरिया में। तो देखिए यह जो होल्ड फास्ट होता है इसके द्वारा यह किसी न किसी आधार से जुड़ी रहती है। स्टॉक जो होता है इसका विरिंत होता है, यह जो है क्या होती है, यह जो है एक प्रकार से समझ लीजिए जैसे फूलों में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के नीचे का भाग जिसको हम पकड़ते हैं, जिसे हम स्टाक बोलते हैं, वृंत, वही है इसका यह स्टाइप। और जो फ्रांड होता है यह पत्ती जैसी प्रकाश संश्लेषी संरचना होती है जिसकी मदद से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। आगे देखिए, इनकी कायिक कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज भित्ति उपस्थित यानी सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो बाहर से एक जिलेटिनस कोटिंग से घिरी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं। अगला लक्षण देखिए, एल्जिन से बनी जिलेटिनस कोटिंग से बहुत उच्च जल ग्रहण क्षमता पाई जाती है, यानी जो जिलेटिनस कोटिंग होती है जो एल्जिन से बनी होती है उसमें बहुत उच्च जल ग्रहण की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स बोलते हैं। और आगे देखिए, यह जो एल्जिन होता है, एल्जिन भूरे शैवालों को सूखने तथा यांत्रिक आघातों यानी शॉक्स से सुरक्षा देती है। एल्जिन का उपयोग साबुन, आइसक्रीम, पॉलिश क्रीम तथा प्लास्टिक आदि बनाने में भी होता है। देखिए, ब्राउन एल्गी में लवक, रिक्तिका व केंद्रक में भी पाया जाता है। इनमें जो मुख्य वर्णक होता है, मेन जो पिगमेंट होता है ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। इसके साथ साथ इनका जो भूरा रंग होता है वह फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल व बीटा कैरोटीन के कारण होता है, किसके कारण, फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल व बीटा कैरोटीन के कारण इनका रंग क्या होता है, भूरा होता है। इनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है, वह लेमिनेरिन होता है, और मैनिटाल में ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न हैं, लेमिनेरिन और मैनिटाल के रूप में इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, और ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न हैं।
आगे अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा, खंडन द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जूस्पोर्स चल बीजाणुओं द्वारा, और इनका जो आकार होता है वह पियर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार का होता है। नोट करके देखिए इनके जूस्पोर में दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला पाए जाते हैं, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और उगैमस प्रकार का, और इनके जो युग्मक होते हैं नाशपाती के आकार के होते हैं जिन पर जो लेटरली अटैच्ड क्या होते हैं फ्लैजेला पाए जाते हैं, कसाब है, पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए सार्गासम जिसे हम गल्फ वीड भी बोलते हैं, ये ग्रो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ज़्यादातर क्या करता है उगता है, और इस क्षेत्र को हम सार्गासो क्षेत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सार्गासो क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो लेमिन एरिया होता है जिसे हम केल्प बोलते हैं जो कि बहुत बड़ी एल्गी है, सबसे बड़ी एल्गी है, इससे जो है हमें आयोडीन और ब्रोमीन प्राप्त होता है, आयोडीन और ब्रोमीन प्राप्त होता है। और भूरे शैवालों का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो फ्यूकस, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, ये क्या हैं, ये सब भूरे शैवाल हैं। तीसरा देखिए जो क्लास है वह है रोडोफाइसी जिसे हम लाल शैवाल भी बोलते हैं, रेड एल्गी, और यह सबसे प्राचीन शैवाल माने जाते हैं। इनमें जो सबसे प्राचीन शैवाल आता है वह है पालीसाइफोनिया, कौन है पालीसाइफोनिया, पालीसाइफोनिया बहुत प्राचीन क्या है रेड एल्गी है, लाल शैवाल है। देखिए इसमें कोई चल अवस्था नहीं पाई जाती है, सीलिया और फ्लैजेला इसमें क्या होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और जो लाल शैवाल होते हैं ये ज़्यादातर समुद्री और गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका अपवाद है बट्रैको स्पर्मम, बट्रैको स्पर्मम यह स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक लाल शैवाल है। उसके बाद देखिए इनकी जो सेलवाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वह सेलुलोज, पेक्टीन तथा पॉलीसल्फेट से बनी होती है। इनमें अगर जो पिगमेंट, अगर इनमें अगर हम पिगमेंट की बात करें, वर्णक की बात करें, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी क्या होता है मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसके बाद एक चीज़ आप और यहाँ पर नोट करिएगा, देखिए यह जो आर फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोसाइनिन यह क्या करता है लाल शैवालों को ब्लू कलर्ड प्रोवाइड करता है, नीला रंग प्रदान करता है, और यह जो आर फाइकोएरिथ्रिन यह जो है क्या करता है लाल रंग शैवालों को प्रदान करता है। उसके बाद देखिए इसमें बीटा कैरोटीन भी पाई जाती है, और पिगमेंट के आधार पर इन्हें लाल शैवाल कहते हैं, और ये कैसे होते हैं बीजीए के समान, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के समान होते हैं। आगे देखिए लाल शैवाल बहुकोशिकी होते हैं, और इसका अपवाद है पोरफाइरिडियम, क्या पोरफाइरिडियम इसका क्या है अपवाद है, एक्सेप्शन है, यह एक कोशिकी क्या है रेड एल्गी है। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है गाडीकोव्स इफेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से आप पढ़िए। देखिए लाल शैवाल का जो रंग होता है समुद्र में वह लाल शैवालों की मृत्यु होने पर बदल जाती है। देखिए जब रेड एल्गी सरफेस पर होती है, जब लाल शैवाल सरफेस पर होती है तो यह ब्लू कलर की होती है, कैसी होती है ब्लू कलर की होती है, और जब जल में बॉटम पर होती है तो यह लाल होती है। नोट करके देखिए पानी की सतह पर आर फाइकोसाइनिन ज़्यादा तथा गहराई में आर फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा पाया जाता है रेड एल्गी में। देखिए इनमें भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट व वायलेट लाइट में होती है, इसमें लाल शैवाल में, और देखिए यह जो आर फाइकोएरिथ्रिन होता है यह अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, और फाइकोएरिथ्रिन के कारण ही रेड एल्गी गहराई में पाई जाती है। यहाँ देखिए लाल शैवाल हमेशा लाल नहीं होती,
यह ब्लू भी हो सकती है, जैसे बट्रेकोस्पर्मम। यह क्या है, ब्लू कलर्ड एल्गी है तो लाल शैवाल, लेकिन इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो ये जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गार्डिकेव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्डिकेव इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इनमें जो लाल शैवालों में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, या जो कि क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड्स होता है और एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का बना होता है। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च लाल शैवालों में। इनके अगर जनन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, और ये जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर कहलाते हैं। आगे देखिए, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह नॉन मोटाइल गैमेट द्वारा होता है, और यह किस प्रकार का होता है, तो ऊ गैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है रेड एल्गी का, वह कार्पोगोनिया कहलाता है, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वह स्पर्मेटेंजिया कहलाता है। आगे देखिए, इनका कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस लाल शैवालों का देखिए, जिलेडियम तथा ग्रीसीलेरिया नामक ये जो लाल शैवाल होते हैं इनसे क्या प्राप्त होता है, इनसे अगार अगार प्राप्त होता है, और अगार अगार एक हाइड्रोक्लोराइड है जो जल को धारण करने की क्षमता रखता है। पोरफाइरा यह एक खाने योग्य क्या है, शैवाल है। हार्वीएला यह एक रंगहीन परजीवी शैवाल है, और कांड्रस क्रिस्पस जिसे हम आयरिश मॉस भी बोलते हैं, इससे कैरीजीन प्राप्त होता है, और कैरीजीन का उपयोग फूड इंडस्ट्री में भोजन को गाढ़ा बनाने में किया जाता है। तो ये शैवालों का मुख्य रूप से क्या था, हमने NCERT में जो तीन वर्गीकरण दिया है उसको पढ़ा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के बीच वीडियोज को शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।